subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest update. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो में सब खैर से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तुझे खड़ी इंदा आयो, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज आ गड काफ़ी शयूँ तक पहले भी ठाण सेखारी हुई, हाँ भी ईद अल अज़हा का भी बीफ मटन की काफ़ी सारी रेसिपीज तुम शेयर कंदी। हबीब कुकिंग ऑयल असा गड हबीब कुकिंग ऑयल वाइटमिन ए ई ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल आए ओमेगा 3 & 6 मौजूद है जो तुझे एक्स्ट्रा फैट्स के बंद करे तो तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये है दिल का मामला। हबीब कुकिंग ऑयल NX असा गड NX में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर तुम सामू यूज़ क्यों। अजो की जो रेसिपी ठे पी कबाब ठे पे कबाब 65 इनो नालो है, तमाम डिफरेंट रेसिपी है। हिंसा तुम गोश्त तो मौजूद होंद तो इन तरीके से काफ़ी सारी रेसिपी तक ठाण से कीमे वो नान, कीमे वो नान ओवन में भी ठाई सोता उनके तए के मत भी ठाई सो बई रेसिपी सुबह 12 वगे रिपीट हल्दियों। स्क्रीन पर नंबर ले पे काफ़ी फरमाइश करनी हुई, कुछ भी पूछना हो पूछी सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, और ईद से पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम आपके सामने किए, फिर ईद के बाद भी कंटिन्यू बीच बीच में बीफ मटन की रेसिपीज़ बनाते रहेंगे। आज भी मैं बना रहा हूँ कबाब 65 मज़ेदार ये रेसिपी। कबाब बनाएंगे, उसको सॉस में डिप करके और सौते करेंगे, ये डिफरेंट सी रेसिपी आपके लिए लाया हूँ। और उसके साथ कीमे वाले नान बना रहे हैं, वो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और तवे भी बना सकते हैं। हबीब कुकिंग ऑयल हमारे साथ है, हबीब कुकिंग ऑयल विटामिन ए ई और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 & 6 मौजूद है जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करता है, क्योंकि ये दिल का मामला। हबीब कुकिंग ऑयल NX हमारे साथ है, NX में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करते हैं। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट, और हाफ़ के जी के हिसाब से मैं रेसिपीज़ बनाता हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ के ज़्यादातर हाफ के जी का ही पोर्शन हम लोग बनाते हैं घर में, ठीक है। तो यहाँ पे बीफ या मटन जो भी आप यूज़ करेंगे वो भी आप लेंगे हाफ़ के जी, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा मशीन से पीस लेंगे, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, इसको एक दफ़ा हमने चॉपर में चला देना है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कीमो खणंदासीं 1/2 किलो, चिकन खणी वठो, बीफ जो खणी वठो, मटन जो खणी वठो, जेको तव्हांखे सुठो लगे, ठीक है। 1/2 किलो कीमो आहे, कीमे को हम डाल देंगे चॉपर में, ठीक है। इसमें हम मसाले डालेंगे, मसालों में क्या क्या जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर डाल दिया, ज़ीरा पाउडर अब डालेंगे। ज़ीरा पाउडर को हम ग्राइंड करके डालेंगे, मेरे पास साबुत ज़ीरा है तो इसको हम NX के ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा का पाउडर। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच और चाट मसाला इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच डाल दिया, ठीक है। और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह चॉपर में चॉप, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए कीमा हमारा। ऊपर अगर जो कीमा आ रहा हो उसको आप नीचे की तरफ लाएं और दोबारा एक दफ़ा चलाएं, ताकि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए, ठीक है। एक दफ़ा वरी हलाइंदासीं ताकि मिक्सचर जो आ सुठो सो चवंदो तयार थी वञे। अब ये हमारा कीमा हो गया तैयार, बिल्कुल नरम मुलायम सा होना चाहिए ताकि कबाब आपके अच्छे बने, ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं पूरे कीमे को एक बॉल में, फिर इसमें और चीज़ें मिलाएंगे, ठीक है। इनमें छाछा वही हुआ है, कीमो हो 1/2 किलो, हुन सां गॾु तव्हां विझंदो इनमें चाट मसालो 1 चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो,
पीठल एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च में विझी छड़ियन एक चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो। ठीक है, सफ़ेद जीरा पाउडर, जीरे का पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच डाल के आपने इसको चॉपर में चला दिया। कीमा आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम कौन से हैं, दो अदर डबल रोटी के स्लाइस ले लेंगे। ठीक है, दो अदर डबल रोटी के स्लाइस लेके उसको आपने चूरा कर देना है। दो ऑप्शन बता रहा हूँ, या फिर दो डबल रोटी के स्लाइस लेके हल्का सा पानी में डिप करें और फौरन निकाल के नचोड़ के अच्छी तरह इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, वह तरीका है, या तो डबल रोटी फ्रेश डबल रोटी है, ब्रेड क्रम जो मार्केट में मिलता है वो नहीं है, ये फ्रेश डबल रोटी है। ठीक है, या तो इसके ब्रेड क्रम बना चॉपर में चला के क्या करना है, दो स्लाइस पानी में डिप करके फौरन निकाल दें और अच्छी तरह नचोड़ के आपने ये इसके अंदर मिला देने। ठीक है, ब तरीका है, या तो डबल रोटी जो चूरो छो फ्रेश डबल रोटी है। ठीक है, ये हो वारी ना है, ड्राई ना है जो मार्केट में मिलंदी है, या तो तुम कह यो भी छो ब स्लाइसिस इनमें, या पो तां छा कंदो बियो ऑप्शन छाहे कि इनमें तहां पानी में ब स्लाइस हल्को सो पिसाए फौरन कटी वट जो हथ सा निपोड़े इंजन दा विझंदो ऐ हाणे इनके चंगी तरह कंदा से मिक्स। अब इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कबाब भी आपके अच्छे बने। यहां पे हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, ऑयल गरम कर रहे हैं, हबीब कुकिंग ऑयल इतना होना चाहिए कि कबाब आपके इसमें फ्राई हो जाए, तकरीबन 3 कप जितना, 2.5 से 3 कप जितना ऑयल। और जब फ्राई होने के बाद ऑयल बचता है उसको छान के रख लें, फिर दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेको फ्राई करे तांजो बचन दो ऑयल होने के वरी तां यूज़ करे सको था, रीयूज़ थी विंदो है। ठीक है, छाणे उनके थदो करे पो तां यूज़ करे सको था। अब इसको थोड़ा समय इसमें पानी का छींटा दूंगा हल्का सा, ठीक है, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए, क्योंकि ड्राई हो जाता है ब्रेड क्रम डालने से। ये अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि ब्रेड इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह आपने इसको मिक्स करना है इसके साथ। ठीक है, ये अच्छी तरह इसको 3-4 मिनट तक आपने इस तरह घुमा के जैसे आटा गूंथते इस तरह मिक्स किया। यहाँ पे हमने हबीब कुकिंग ऑयल गरम किया है। अब हम हाथ गीला करके बॉल में पानी लेते हैं और बॉल्स बनाते हैं। मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इनके अंदर जो बॉल्स चाहिंदी वो तुम हथ आलो कौ, उनके बाद नॉर्मल साइज़ जब 2 टेबल स्पून जितना, 2 टेबल स्पून जितना आपने उठाना मसाला और इसके आपने बॉल्स बनाने प्रेस करके अच्छी तरह। ठीक है, ताकि मज़बूत बॉल्स बने, खुले ना, इस पर दरार सी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह अच्छी तरह आपने प्रेस करके इसके बॉल्स बनाने, ये देखिए, क्योंकि फ्राई करने में खुलने नहीं चाहिए। ठीक है, हाथ गीला करें, वेजो करी दिखा ना, इस तरह आपने इसको, ठीक है, और इसके क्रैक नहीं आने चाहिए। इस तरह आप हाथ की मुट्ठियों से दबा दबा के इसको करेंगे दोनों तरफ से, तो ये इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर पे जब गर्म हो जाएगा ऑयल तो फिर हम इसमें इसको फ्राई करेंगे, जब ये गोल्डन कलर में आ जाएगा तो फिर हम इसे निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बॉल्स बन जाएंगे, उसके बाद इसका एक सॉस बनेगा बहुत ही मज़ेदार। कड़ी पत्ता इसमें ज़रूर डलता है, अगर कड़ी पत्ता ऑप्शनल है आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ता 65 चिकन बने या 65 कबाब बनते हैं तो उसमें कड़ी पत्ते की एडिशन होती है। ठीक है, कड़ी पत्ता इसके भगार में जाएगा, बहुत बड़े बॉल्स नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज़ के बॉल होने चाहिए। इसके बाद हम नान बनाएंगे, नान के लिए ओवन को हमने प्री हीट किया हुआ है 15 मिनट पहले। ठीक है, ओवन को प्री हीट करके और उसमें हम फिर नान बनाएंगे। तवे पे बनाने का भी तरीका बता दूंगा, पहले भी मैंने नान बनाना सिखाया है तवे पे, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। अच्छा, इसका शेप आप ओवल भी दे सकते हैं, आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, इसको छोटे साइज़ के भी कबाब करके आप बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना मैंने कीमा उठाया है, चंगी तरह
ठीक है। अच्छा हुन जो तरीको बुधाई तो छॾियो। नान जे लाइ तव्हां छा खणंदो? मैदो 2 कप, उहो बि मां ॾेखारियां थो। राइस थियण जे लाइ रखियो आहे ऐं खमीर जो साशे मिलंदो, हुनमें 1 चांहि जो चमचो खमीर विझंदो। अगरि खमीर न आहे त मिठी सोडा जेका हूंदी आहे उहो तव्हां 4 चांहि जो चमचो विझी ऐं हुनखे मिक्स कंदो। पोइ हुनमें थोरो सो ऑयल 1 चांहि जो चमचो विझी, थोरो लूणु हसबे ज़रूरत विझी हुनजो अटो ॻोहींदो। हुनखे कवर करे 1/2 कलाकु रखंदो। हुनखां छा थींदो आहे कि जेको नान जो अटो आहे हुन खमीर ठही वेंदो आहे। ठीकु आहे, हमने खमीर यूज़ किया है नान के लिए। साशे मिलता है, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको घुमाते जाएं, हाथ से प्रेस करते जाएं ताकि आपके बॉल्स, ये 9 से 10 बॉल्स बनेंगे इस क्वांटिटी में। ठीक है, 9 से 10 बॉल्स बनेंगे और अगर छोटे करेंगे तो 15 तक भी बन सकते हैं, लेकिन ये साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ है, ये बिल्कुल सही है। और मैरिनेट करके इसको आपने कीमे को छोड़ देना है। ब्रेड क्रम उस वक्त डालने हैं जब हमने कबाब बनाने, पहले आपने कीमे को छोड़ देना है। इसी तरह मसाले लगा के उसको 1 घंटा छोड़ दें ताकि उसमें अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए, लेकिन दोनों हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह आपने उसको मैरिनेट करना है ताकि अंदर तक मसाला जज्ब हो जाए। ठीक है, कीमा आप बीफ ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन चर्बी वाला कीमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑयल गरम हो गया है और यहाँ पे हम बॉल्स इसमें डालना शुरू करते हैं। और इसको फ्राई करते जाएंगे हल्की आंच पे ताकि कीमा कच्चा ना रहे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, हल्की बाहे ते इनके फ्राई कंदासीं ताकि कीमो तव्हांजो कच्चो ना रहे। हल्की बाहे ते चंगी तरह अंदर ताईं फ्राई थींदो। और अगर आपको लगता है कि कीमे में, मटन के कीमे में आपको लगता है कि कच्चापन आ जाता है, बाज़ दफ़ा आप लोग को फील हो, तो फिर आप इसमें गोश्त गलाने का पाउडर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका कलर ब्राउन होता जाएगा, फ्राई होते जाएंगे तो हम इसे निकालना शुरू करेंगे। घुमाते जाएं हल्की आंच पे करके बनाना है। पानी भी छोड़ सकता है लेकिन ब्रेड क्रम डाला हुआ है तो इस वजह से पानी नहीं निकलेगा ऑयल में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल के फिर हम इसका सॉस बनाएंगे दूसरे पैन में। जो जो हमारे बॉल्स फ्राई हो रहे हैं उसे निकालते जाएंगे। टिश्यू पेपर लेते हैं या वैसे ही निकाल लें, वैसे भी आप रख सकते हैं, निकाल के ज़रूरी नहीं है टिश्यू लेना। ठीक है, चिकन 65 बन रही है, डिफरेंट रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल फिर हम इंशाल्लाह निहारी बनाएंगे, निहारी की फरमाइश थी तो मैं संडे को कल निहारी बनाऊँगा। ठीक है, जो जो फ्राई होते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे। इलाही वधीक करीब करे ना विझो, थोड़ो गैप हुजणु खपे। ठीकु आहे, जेके फ्राई थींदा वेंदा हुनखे कढिजो, लेकिन हल्की बाहि ते कंदव त ई सुठा फ्राई थींदा तव्हांजा। ठीकु, इहे हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम इसका सॉस बनाना शुरू करते हैं। सॉस के लिए हम लेंगे कढ़ाई, मज़ेदार इसका सॉस बनेगा जिसमें इसको मिक्स करके निकालेंगे। भगार सा बनेगा कड़ी पत्ते का, लहसुन होगा, अच्छे से इसको घुमाते जाएं। ठीक है, इनकी रेसिपी रिपीट कराएं। पर कबाब 65 ना लवाएं जो। ठीक है, कबाब 65 के लिए आपने बीफ या मटन या चिकन का कीमा ले लेना है 1/2 किलो, उसको चॉपर में डालना है सॉरी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें चाट मसाला 1 चाय का चम्मच भर के डालना है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के डालना है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के डालना है, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच डालना है और नमक 1/2 चाय का चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह आपने चला देना है। ठीक है, अच्छी तरह चलाने के बाद आपने निकाल लेना है। फिर ब्रेड क्रम 2 रोटी का चूरा बना लें या 2 स्लाइस 2 रोटी के चूरा बना लें या 2 स्लाइस 2 रोटी के हल्के से पानी में डिप करके नचोड़ के निकाल लें और वो आप मिक्स करें और अच्छी तरह 3-4 मिनट तक इसको आटे की तरह गूंथते रहें ताकि ब्रेड इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको बॉल्स बनाएं और इसको डीप फ्राई करें। मैं यहाँ पर अभी कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर रहा हूँ, भाई इसके बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, 3 कप जितने ऑयल में आप इसको फ्राई करें ताकि अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। अगर शेलो फ्राई करेंगी तो अंदर तक फ्राई नहीं होगी। ठीक है, अब जब ये फ्राई हो जाएंगे कबाब तो हम इसे निकाल लेंगे।
कल रिपीट भी चलेगा 12 बजे, तो आप लोग देख सकते हैं। ये कबाब 65 ठन पिया मज़ेदार कबाब इन हिंजला खयो कीमो बीफ मटन या चिकन जो अध किलो कीमो खणंदो उनके पे चॉपर में हलाई छजो बारीक थी वने पोइन में चाट मसालो एक चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर एक चाय जो चमचो लेकिन चाट मसाले की क्वांटिटी भरे वेजो वधिक ठीक आ गाढ़ा मिर्च कुटियल एक चाय जो चमचो उन सा गड लूण अध चाय जो चमचो इनमें हलो वो उनके चंगी तरह पीसंदो उनका पो प्याले में कढ़ी ब्रेड क्रम डबल रोटी जो स्लाइस वडा खी उनके नंढा इन ट्रे खो वा तो ब्रेड क्रम जो स्लाइस खी ब्रेड खी जो ब्रेड क्रम ठाई वो वो भी छो न डबल रोटी जो स्लाइस खी उनके पानी में निपोड़े छो फॉरन पानी में कढ़ी निपोड़े वो मिक्स करो एतो गोयणो है अट्टे वागर इनके कि ब्रेड इनके अंदर मिक्सअप थी वे उनका हथ ऑयल हथ का ऑयल का या पानी का हथ आला कर इन 10 अदद बॉल ठाई वो अध किलो में आए अगर नंढा ठाई तो 15 ताई बॉल ठही वा तक ठीक है। अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के दौरान मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगा ठीक है। ब्रेक के दौरान मैं फ्राई करके निकाल लूँगा, ब्रेक के बाद आके इसका सॉस बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई तमामु मज़ेदार चिकन 65 ठही पई। हिते असां छा कंदासीं, हाणे असां हिते ॿियो चुल्हो ऑन कंदासीं चिकन 65 के लिए। जो हमने बॉल्स बनाए थे मैंने निकाल दी यहाँ पे। अब इसी कढ़ाई में जो ऑयल हमने फ्राई जिसमें किया था उसी में से ऑयल ले लेते हैं ठीक है। उसी में से ऑयल ले लेते हैं, कितना 4-6 टेबल स्पून। पहले पानी ड्राई करके इसमें हम ऑयल ले लेंगे तकरीबन 6 चम्मच जितना, 6 खाने के चम्मच ठीक है। मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, हमने 6 टेबल स्पून ऑयल इसी में से ले लेना है, 6 खाने के चम्मच ऑयल यहाँ पे गरम होगा। इसमें हम डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ ठीक है, लहसुन चॉप किया हुआ हम डाल देंगे, कुटा हुआ लहसुन जाएगा 1 खाने का चम्मच यानी 2 चाय के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। थूम विधि 2 चाय के चम्मच, अदरक कुटियल विधि 1 चाय जो चम्मच ठीक है। लहसुन डाल दिया मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच और अदरक डाल दिया 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ। इसको सौते करेंगे, सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता 10-12 दाने, 15 दाने जितने आपके पास हों कड़ी पत्ते डाल दिए। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें भगार आएगा, खुशबू आने लगेगी। ठीक है, ऑयल विधो 6 खाने जो चम्मच आई, थूम विधि 2 चाय जो चम्मच, अदरक 1 चाय जो चम्मच। उनका पो कड़ी पत्ता इनमें 15-20 अदद विधा, 15-20 अदद कड़ी पत्ते डाल दिए। अब कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें डालेंगे साबित लाल मिर्च 6-8 अदद ठीक है, 6-8 अदद साबित लाल मिर्च चली गई, ये भगार बन रहा है। 6-8 लौंगी मिर्च विझी छॾिया, 6 भगार बन रहा अच्छा सा। अब जब लाल मिर्चों की खुशबू आने लगी तो इसमें हम डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस कितना गया इसमें 1/2 कप। चिली गार्लिक सॉस डाल के इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से ठीक है। जब इसकी भगार की खुशबू आएगी चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद मिक्स करके ये बॉल्स हम मिला देंगे, बॉल्स मिला के इनको मिक्स करेंगे। ये है कबाब 65, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको सफ़ेद चावलों के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, नान के साथ आप सर्व करें ठीक है। इसको 3-4 मिनट तक पकाना है, इसमें कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट की हो इनके डिश आउट क्यों था, ये हो गए हमारे कंप्लीट। इसको निकाल देते हैं लेटर में, इसके बाद हम बनाएंगे नान।
ये हो गया हमारा कबाब 65। ठीक है, ये इसी तरह बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार है ये रेसिपी, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। शुरू करते हैं, क्लियर जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। हल्का सा हरा धनिया चॉप करके डाल देंगे ऊपर से, इसको रखते हैं टेबल पे। मैं होता हूँ लेकर, ये हैं हमारे कबाब 65। ठीक है, ये मज़ेदार रेसिपी आपके सामने मैंने बना दी। अब हम बनाएंगे नान कीमे वाला। कीमे वाले नान के लिए यहाँ पे आटा रखा हुआ था कवर करके। ठीक है, ये डो के लिए इसको हटा देते हैं काउंटर से। अच्छी तरह काउंटर को क्लियर करके अब यहाँ पे लेंगे जो मैदा था, इसको थोड़ा खुश्क आटा लगा के, मैदा लगा के इसको निकालेंगे और इसके हम बनाएंगे तीन नान। ठीक है, इसमें से तीन नान बनेंगे। इनका ट्रे नान ठंडा, ट्रे पोर्शन क्यों था इंजा, नाइफ खाऊं, एक दो और ये तीन। ठीक है, तीन नान लिए हमने और पहले इसका मसाला बनाएंगे जो इसका हमने मिक्सचर बनाना है। इसके लिए एक बॉल लेते हैं, इस बॉल में हम डालेंगे कीमा, एक पाव के, ये एक कप कीमा, तीन नान के लिए एक कप कीमा बहुत है। ठीक है, एक कप कीमा डाल दिया। कीमे में हम मिला देंगे प्याज एक अदद ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ। ठीक है, हरी मिर्चें मोटी वाली बीज निकाल के दो अदद, हरा धनिया दो खाने के चम्मच चॉप किया हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच से थोड़ी कम, और इसमें सौंफ और ये सब चीज़ें ग्राइंड करके डालेंगे। छाछा विदो है प्याले में, कीमो हिक पा टिका उनमें, बसर विदो हिक गंड, ऑमलेट वांगर चॉप करे, सावा मिर्च खणजो ब अदद, हमने जब बिजी कटी मोटा वाला सावा मिर्च फिका होंगे बिजी कटी वो बारीक कटिंग करे विझो, ब खाने जो चमचा तान में विझंदो सावा धाणा। ठीक है, कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप कैसे हैं? आपको भी ईद मुबारक। जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो बड़े नसीब वाले हैं जो पाकिस्तान में ईद करते हैं भाई। ये तो है, तो यहाँ तो पता ही नहीं लगता फैसल भाई की ईद कैसे क्या है। हाँ, यहाँ भी यही हाल है, वो पहले वाली ईदें तो नहीं है जैसे पहले होती थी, तैयारियाँ होती थी, लोग आते जाते थे, नफसा नफसी का दौर है आपको पता है यहाँ पे भी। नहीं फिर भी आप लोग तो बहुत बेहतर है भाई, कम से कम महसूस होता है, पता लगता है कि एक इस्लामी मुल्क में, यहाँ का मुल्क तो भाई गैर मुस्लिम मुल्क में बैठे हुए। फसल भाई आपने फिर उसकी रेसिपी नहीं बताई हंटर बीफ की। हंटर बीफ की मैं वर्बली कल बता दूंगा, कल निहारी बनाऊंगा तो उसके साथ मैं बता दूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो प्लीज उसकी आप रेसिपी बताइएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे घर से, क्योंकि वो एक दिन में जो नहीं बनता। नहीं नहीं, उसको रखना पड़ता बिल्कुल। बताइएगा इंशाल्लाह मैं कल तो फिर आपका कल रिपीट इसलिए था, कल बारिश बहुत ज्यादा थी, पूरा ये इशारा है फसल पे, पूरा पानी इतना ज्यादा होता है कि फिर आने जाने का मसला हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं आया था कल ना, बहुत ज्यादा बारिश थी परसों से चल रही थी। जजाकल्ला जजाकल्ला, अपना ख्याल रखिए, वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखेगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरा लेंगे एक चाय का चम्मच, सौंफ एक चाय का चम्मच, साबित धनिया एक चाय का चम्मच। ठीक है, सौंफ कहो एक चाय जो चमचो, ज़ीरो एक चाय जो चमचो, साबित धाणा एक चाय जो चमचो, हल्को सो जो कुटियल होंगे अड़ो इनके ग्राइंड करना।
जैसे कुटा हुआ धनिया होता है, कुटा हुआ जीरा होता है, कुटा हुआ सौंफ होता है, उस तरह आपने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया, ये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून से कम, नमक हाफ टी स्पून से कम हसबे ज़रूरत, ठीक है, लूण हसबे ज़रूरत विधो, इनके इतने मिक्स कर देते चलो, अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर दें, ये कीमे की फिलिंग हो जाएगी। चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? साहब नंबर पर कर रहे हो जी, कुछ चाहिए चाहिए दो सॉरी यार, चावर जो पियो जो तरीको ये तो नथो बुधाई सका ता मुझे पेश ते वनी डीसी वट जो आई सिंध में तो पियो ता हर घर में ठांदो है ही तो इलाही इजी शे है जको ता पूछो पिया ना ये ता मुझे पेश ते वनी डीसी उमर को साइड में घट खेदो मुझे पेश ते वनी डीसी वटो कुकिंग विद शेफ समझो पेज होते रेसिपी मिली विंदी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तीन अदद नान हम इसमें बनाएंगे। मैंने दो कप मैदा लिया था, ठीक है, इसके लिए हमने इस तरह डो को बेल लेना, थोड़ा सा खुश्कर लगाएंगे, इसको हल्का सा बेलेंगे खुश्क मैदा लगा के। ठीक है, खुश्क मैदो लगाई दो उन सा गर इनके वेले छजो, इलाही वड़ी मानी ना है ठाणी। ठीक है, नंढड़ो यहाँ पीस करे यहाँ वेले छजो। ठीक है, यूँ करके हमने थोड़ा सा जैसे वो पेड़ा होता है उसको खोल लिया। ठीक है, अब यहाँ से कीमा उठाएंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना कीमे का मसाला उठा के इसके सेंटर में रखेंगे यूँ करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा फुल नहीं हो, साइड में 1-1 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाथ क्लियर करके इसके साइड्स बंद करेंगे। ठीक है, ये अब साइड्स उठाएंगे इसके, यूँ उठाया इसको पकड़ा ऐसे करके घुमाते जाएं और इसको बंद करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ से उठाया इसको अंदर करें मसाले को, ये उठाया इसको यूँ पकड़ा, यूँ यूँ और यूँ, ये पूरा ऊपर आ गया, ऊपर करके इसको अच्छी तरह बंद करें। फिर खुश्क आटा लिया इसको बंद किया, बंद करके फिर पलटाया, फिर खुश्क मैदा लिया, इसको आपने अब बेलना है। हल्के हाथ से फटना नहीं चाहिए नान। ठीक है, हल्के हाथ से पलट दिया, फिर बेला हल्के हल्के हाथ से। ठीक है, इनके वेलन दो, ही ओवन में विंदो, यो ही सागी शेतान ताई जी मथा भी करे सको था। ठीक है, इतरो को ताँ खोलना है कि नान फाटे ना बिल्कुल, इनमें मसालों बाहर ना अच्छे। ठीक है, इतना आपने खोलना है कि नान फटना नहीं चाहिए और इसका जो मसाला है वो बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखें बिल्कुल परफेक्ट है, हाथ से फिर सेट करें इसको, थोड़ा और खोलें जितना खोल सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि नान से मसाला बाहर ना आए, हाथ से सेट कर लें थोड़ा बेलन से फिर थोड़ा हाथ से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हाथ गीला करके यूं टिप्स रख के, ये देखें नान जैसे होता है। ठीक है, और इसके किनारे बना देंगे थोड़े थोड़े राउंड शेप में यूं करके, गीला हाथ है। ठीक है, फिंगर्स को गीला करके यूं आपने एक राउंड बना देना, इससे खूबसूरती आ जाती है नान में। ठीक है, और बाकी सेंटर में ये कर दिया। अब बेकिंग ट्रे लिया, ठीक है, बेकिंग ट्रे पे एल्युमिनियम फॉइल लगा दी मैंने और इसके ऊपर ये नान बहुत एहतियात से उठा के इसके ऊपर रख दिया। एक फिर एक और बनाते हैं, दो नान आ जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर खुश्का लगाया, बल्कि यूँ करते हैं इसको हम फिर फ्राइंग पैन में बनाते हैं, एक नान हम लगा देते हैं ओवन में ताकि आप लोग दोनों रिजल्ट देख सकें। इसको सेंटर में रखेंगे, ट्रे के सेंटर में लगाएं दो, अब आ गया।
को सेंटर में करके 180 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ है। टाइमर इसका 15 मिनट का लगाया हुआ है और डबल ग्रिल ऑन की हुई है, ठीक है। डबल ग्रिल ऑन की हुई है और इस तरह आपका नान तैयार होगा, ठीक है। डबल ग्रिल ऑन कहला है, 180 डिग्री ते इनके प्री हीट करना है ओवन के होने का पो तहाँ टाइमर लगाई छो 15-20 मिनट में तुम नान तैयार थो उनके कढ़ासी उनके बाद बो नान अस तए के मथा ठाईदी तए ते या फ्राइंग पैन ते, ठीक है। एक नान और बनाते हैं इसी तरह। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है 3 नान का, ठीक है। इसका खमीर कैसे बनाया है दोबारा बता देता हूँ। नान का इसके लिए हमने लेना है 3 कप जितना मैदा, 2 कप ले लें तो 3 नान बन जाएंगे। 2 कप से 2.5 कप मैदा ले लिया, उसमें खमीर का साशे खोल के 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल दें, वैसे ही डायरेक्ट डाल दें, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, और उसके बाद तेल डाल दें 1 चाय का चम्मच। इसको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद हल्के हाथ से आटा गूंदना है। आटा गूंद के कवर करके किचन कैबिनेट में रख दें या ऐसी जगह रखें जहाँ हवा क्रॉस नहीं हो रही हो, या ओवन में बंद ओवन में रख दें, माइक्रोवेव में रख दें, लेकिन ऑन ना हो, ठीक है। इसको फिर आप 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, ये डबल हो जाएगा। उसके बाद आपने निकाल के खुशकार लगा के इसको सेट करना है हाथ से अच्छी तरह मसल के, फिर इसके 3 पीस कर दें, फिर इस तरह रोटी बनाएं। और रोटी बनाने के बाद बेलें, बहुत छोटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, फिर इसमें से मसाला उठाएं इतना हो कि आपकी मुट्ठी में आ जाए मसाला, ठीक है। ये देखें 6 टेबल स्पून जितना मसाला, ये पूरा उठाया, फिर हाथ साफ़ करें ताकि मसाला आपके हाथ पे लगा होगा तो नान आपका बंद नहीं होगा हाथ से, ठीक है। ये वाला नान दिखाते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। ये उठाया इसका किनारा मिलाया, फिर यहाँ से ये किनारे इस तरह उठाने हैं, ठीक है। हिकड़ी पीस हिं खनी विंदो जलंदो विंदो इस तरह पकड़ा, फिर यहाँ से ये एक एक पीस उठाते जाएँ, इसको मिलाते जाएँ, ठीक है। ये करके इसको आपने राउंड किया, अब मैं इसको नान का शेप दे रहा हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हां सां मुंहिंजी हिकु रेसिपी ठहे पई। नान असांजो हिकिड़ो तए जे मथां विझी छॾियो आहे ऐं हिकु मां ओवन में विझी छॾियो आहे, ठीक है। एक महीने तवे के ऊपर यानी फ्राइंग पैन के ऊपर डाल दें, नॉन स्टिक हो तो बेस्ट है, नहीं तो तवे के ऊपर डालें। सिल्वर के फ्राइंग पैन में क्या होता है कि ये फिर जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नॉन स्टिक नहीं तो तवा जो काला वाला होता है घर में जिस पर रोटी बनाते हैं उस पर डाल दें और इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्की आँच भी ना हो, इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दें। और उसके बाद ओवन में जो हमने नान डाला उसको भी चेक करते रहेंगे साथ साथ, वो अभी उस पर राइजिंग आने शुरू हो गई है, वो बेक होना शुरू हो गया है। जैसे नान हमारा बेक होगा तो हम उसे भी निकाल देंगे, ठीक है। मज़ेदार रेसिपी तुझे सामू ठाऊँ पाया, चिकन 65 बनाई है। और अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, नीचे से लगना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, नीचे से लगना नहीं चाहिए, ठीक है। का चूल्हा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, नीचे से लगना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये जब बेकिंग पे आएगा तो हल्का सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है, हल्का सा इस पर ऑयल डालेंगे, लाइट सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि जले ना, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है थोड़ा। उतर रोस्ट थे तो ठीक है, नान के चेक कंदा रहिंदा सी जेको ओवन में आए 15 मिनट उनके लगंदा, ठीक है, 15 मिनट लगेंगे। फिर इसको पलटाएंगे, इसको पलटाते रहेंगे बीच बीच में ताकि दोनों साइड से कच्चा ना रहे, ठीक है। अच्छी तरह प्रेस कर रहा हूँ ताकि अच्छा सा राइस हो। इसके बाद हम इसको, आप इसको रायते के साथ खाएं, इसको चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये नान आपके लिए बना रहा हूँ। इस तरह के नान ये 3 बनेंगे, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आलू का नान भी इसी तरह बनता है, आलू का मसाला जो हम कबाब के लिए बनाते हैं वो मसाला आप इसके लिए बनाएँ और उसको अंदर इसी तरह फिल करके आप इसमें बना सकते हैं। वेजिटेबल्स करना चाहें तो वेजिटेबल्स भी इस तरह कर सकते हैं, बॉयल वेजिटेबल्स डाल के, ठीक है। ये थोड़ा रोगनी टाइप का नान होगा,
पलटाता इसलिए जा रहा हूँ कि ये जले ना, ठीक है, ही सड़े ना, हिन कर इनके पलटाइंदो वना पे बार बार साइडन का ताकि ही सड़े ना। पहले मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ किया था ताकि इसमें हीट बन जाए, अब हल्की आंच पे इसको बनाते जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको लगेगा ये कच्चा रह रहा है उस तरफ पलटा के हल्का हल्का प्रेस करते जाए। ये देखिए इस तरह, इस तरह, ये अच्छी तरह इसको प्रेस करते जाएं, जहाँ जहाँ आपको लगेगा ये कच्चा है अब इसको प्रेस करते जाएं। फिर एक चाय का चम्मच हम लेंगे कुकिंग ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल यहाँ पे लिया, इसके ऊपर टॉपिंग पे डाला हल्का सा, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको पलटाया, ये देखिए अब ये फूलना भी शुरू हो रहा है साथ साथ, ठीक है। इसको इस तरह घुमाते जाएं, फिर इसको पलटाया, जहाँ जहाँ किनारे आ रहे हैं वो मैं पलटाता जाना। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं नवाब शाह से करनाना बात कर रहा हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक है। कुछ कहना चाहेंगी? जी जी भाई जी बोलिए भाई, हमारे को ना बिना बेसन पकाना सिखा दें। ठीक है पकाना सिखा देंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छी तरह उसको प्रेस करते जाएं, देखें इसके सारे साइड्स तैयार हो गए। किनारों को ज़रूर प्रेस करना है किनारे, ताकि इसके बिल्कुल परफेक्ट हमारे बन जाएं, ठीक है। ये ज़बरदस्त हमारा नान हो गया तैयार और ये फूलना भी शुरू हो गया थोड़ा। अब ओवन वाला नान चेक करते हैं, वो अभी राइजिंग पे है, ठीक है, उसमें से भी खुशबू आ रही बहुत अच्छी, वो राइस हो रहा है। जब वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा उसका कलर, तो उसको ग्रिल ऊपर कर दीजिएगा। इसको निकालते हैं, ये हमारा एक नान तैयार हो गया, तवे पे बनाएं, मज़ेदार, बच्चे भी खा सकते हैं, फैमिली के लिए। इस तरह आलू वाले नान बनाएं, इस तरह के नान बनाएं, आपको जो अच्छे लगें, ठीक है। ये इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे पलटते हैं। अब इसे चेक करते हैं ओवन वाले को, बिल्कुल सही है। इसको अब मैं ऊपर की तरफ ग्रिल से ऊपर करूँगा, ठीक है। हाँ मथे वाली ग्रिल जो कहीं चंदा सी पहले सेंटर में रखे लो, हाँ मैं तो इनके मथे कंदम छा कर दा, इनका कलर इंदो, ठीक है। ऊपर ग्रिल पे लगाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाए। ये नीचे से बिल्कुल परफेक्ट हो गया, राइज हो गया है। अब इसको मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया ताकि इसका अच्छा कलर आना शुरू हो जाए और ज़बरदस्त हमारा ये नान तैयार हो जाए, ठीक है। और इसको हम करते हैं कटिंग, ईजी है नान की रेसिपी बिल्कुल। इसकी कटिंग करें, कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कुछ कहना चाहेंगी? जी कहना चाहूंगी स्पेशल भाई, वो जो आलू के पराठे बनाना सिखाइएगा। अच्छा ठीक है, आलू के पराठे बनाना सिखा देंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है, ओके जी। ये देखें अंदर से दिखा रहा हूँ, ये देखें इसके अंदर, हाँ हाँ ये देखें परफेक्ट ये बना है, बिल्कुल अंदर से कच्चा भी नहीं है, अंदर इसकी फिलिंग देख सकते हैं, ज़बरदस्त। आप इसको रायते के साथ खाएं, इसको आप नान के साथ खाएं। ये आपका हो गया है एक नान तैयार, दूसरा हम निकालते हैं, ठीक है। एक नान हमारा तैयार हो गया, दूसरे का जब ऊपर से कलर आ जाएगा तो उसे भी निकाल दें। टाइम बताइएगा मुझे कितना है हमारे पास। जी ठीक है, बटर लगाना चाहें तो ऊपर से बटर भी लगा सकते हैं, खालिस घी, देसी घी है तो ऊपर से देसी घी भी लगा सकते हैं। कीमे का नान मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये आप चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जैसे आपको लगे। आलू का मिक्सचर बता देता हूँ, अगर आलू की फिलिंग करनी है इसके अंदर तो आलू ले लें,
दो कप जितना आलू उसको मैश कर दें बॉयल करके, फिर उसमें छोटा प्याज दरमियाने साइज़ का बारीक कटिंग करके डाल दें जैसे इसमें डाला था। सेम यही सारे मसाले डालेंगे, लेकिन इस आलू में चाट मसाला ज़रूर जाएगा, ठीक है। आलू में एक चाय का चम्मच चाट मसाला जाएगा, बाकी सारे यही मसाले जाएंगे, उसी तरह मिक्स करना है और सेंटर में रख के आपने इसके अंदर नान बनाना है, ठीक है। आलू जो जेकर नान ठहंदा साॻियो मसालो वेंदो, हर शइ यही वेंदी, सिर्फ़ उनमें चाट मसाले जी एडिशन थींदी, हिकु चाय जो चमचो चाट मसालो उनमें विझो, उनखां चटपटो सुठो ज़बरदस्त फ्लेवर ॾींदो। ऐं आलू टे कप खणी वठिजो, उहो बि बॉयल करे मैश करे पोइ हुन तरीक़े सां ठाहिजो त आलू जा नान ठही वेंदा, ठीकु आहे। अगरि मिक्स वेजिटेबल वेजिटेरियन फैमिलीज़ ठाहिणु चाहिनि थियूं, आलू मटर गोभी गजर उहो बॉयल करे थधो करे पुष्क थी वञे पोइ उनखे पीसे चङी तरह, पोइ उहो बि साॻे मसाले सां गॾु करे सघो था जीअं आलू जो मसालो थींदो आहे, ठीकु आहे। अगरि मिक्स वेजिटेबल नान करें आलू मटर गाजर और फूल गोभी को बॉयल करके फिर इसको ठंडा करके मैश कर दें आलू की तरह जैसे मैश करते हैं, मैश करने के बाद आपने क्या करना है उसके अंदर भी यही मसाले सारे मिलाने और उसी तरह आपने ये नान विक्स वेजिटेबल का बनाना है। हबीब कुकिंग ऑयल हमारे साथ है, हबीब कुकिंग ऑयल विटामिन ए ई और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, ओमेगा 3 एंड 6 जो आपकी हार्ट एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करता है, हार्ट बीट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए भी बेस्ट है। आप लोग हार्ट पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं वनस्पति घी, खासकर जब हम पराठे बनाते हैं, मीठे बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं तो वनस्पति घी का इंतखाब क्या करें वो ज़्यादा बेस्ट होता है, उसमें फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये है दिल का मामला, हबीब वनस्पति बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर हमारे नान दोनों तैयार हो रहे हैं, तो उसके बाद इसके साथ चटनी का बता दूँ कि हरी चटनी बनानी है तो एक गट्ठी पुदीना, एक गट्ठी हरा धनिया, दो अदद हरी मिर्चें, आधा कप इमली का पल्प, सफ़ेद ज़ीरा एक खाने का चम्मच डाल दें और लहसुन के दो जवे डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच और नमक थोड़ा डाल के ग्राइंड करके हरी चटनी बना लें। अगर रायता बनाना है इसके साथ तो रायते के लिए एक कप दही ले लें, उसमें आपने पुदीना हरा धनिया और एक अदद हरी मिर्च पीस के उसके अंदर डाल दें, लहसुन का एक जवा पीस के उसके अंदर डाल दें और उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा कूट के डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल के रायता बना लें, उसके साथ भी आप ये नान सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, अब इसको देखते हैं, जस्ट इसका कलर ऊपर आने के इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि इसका कलर आ जाए ऊपर, तो फिर हमारा ये वाला भी नान तैयार हो जाएगा और इसे भी निकाल देंगे। ओवन में ही बना सकते हैं और आप इसको बस 2 मिनट और लगेंगे इसको, ठीक है। इसको आप तवे पे बनाने का आसान तरीका, क्योंकि हर कोई ओवन यूज़ नहीं करता है तो तवा होता है, तवे पे आराम से इस तरह के बहुत सारे नान आप बनाएं और इसको आप चटनियों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। और डिफरेंट किस्म के सादे नान भी, अगर आप सादा नान भी बनाना चाह रही हैं तो फिलिंग नहीं करें, इसी तरह रोटी को बनाएं, उसी तरह पानी का हाथ लगा के फिर उसको आपने क्या करना है उसके ऊपर तिल लगा दें, सफ़ेद तिल, पानी का हाथ लगा कर सफ़ेद तिल डाल दें, सादा नान होगा वो भी इसी तरह आपने बेक करना है, इसी तरह तवे पर लगाना है और फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी लगा के उसको आपने इसी तरह जैसे मैं बना रहा था बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट नान बना है। अगर क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर इसको और ज़्यादा आप इसको छोड़ दें तवा बंद करके, चूल्हा बंद करके, तो वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, जैसे हम रोटी छोड़ते हैं उस तरह ही क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है। ये रेसिपीज़ कल हम निहारी बनाएंगे, निहारी की फरमाइश थी तो मैंने कहा था संडे को बनाएंगे, तो संडे को कल निहारी बनाएंगे, उसके साथ कोई एक मीठा बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। बहुत सारी आप लोग की फरमाइशें वो भी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह पूरी करते जाएंगे और कोई नई रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा, क्योंकि इसको आपने बार बार देखना होता है क्योंकि ये ओवन में टाइमर होता है इसका, लेकिन फिर भी हमें नान को चेक करना पड़ता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, इसको हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल तैयार थी भैया। ऐं ओवन जो दर जेको हूंदो आहे बाद में बंदि कंदा कयो, थोरी देरि खुलो रहण ॾींदा कयो, हुनखां छा थींदो आहे की हुनजी जेका स्मेल हूंदी आहे शयुनि जी उहा निकिरी वेंदी आहे, ठीकु आहे। इसके ऊपर वनस्पति घी लॻा लें, मैं हबीब कुकिंग ऑयल थोरा सा इस पर लॻा रहा हूं ताकि इसकी ड्राइनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाए, उसमें फ्राइंग पैन में तो हमने लगाया था, तो यहाँ पर आप हबीब कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी लगा दें, या बटर है तो बटर ऊपर से लगा दें, ठीक है। वनस्पति घी से बहुत अच्छा बटर की तरह खालिस फ्लेवर आता है, ये देखेंगे हम गरम गरम पे लगाना है, ठीक है। इसमें शाइनिंग देख रहे हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है, इसे फिर हम निकालते हैं और इसकी भी कटिंग करते हैं, परफेक्ट असर नान ठहियो आहे, सुठो गरम आहे, बिल्कुलु आराम सां हिनखे लाहींदो, ॾिसो सड़े बि नथो हेठां खां, हीअ मां हेठां खां बि तव्हांखे ॾेखारियां, बिल्कुलु ज़बरदस्त ही ठहियो आहे, देखें नीचे से परफेक्ट नान बना है, जला भी नहीं है, इसका कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है नीचे से, ॾेखारिजो ठीक है। ये नीचे से हैं ओवन में बिल्कुल परफेक्ट बन गया, इसकी कटिंग करते हैं
और इसे भी हम रख देते हैं प्लेटर में डाल के। ओवन की जो ट्रे होती है बहुत गर्म होती है, इसे बहुत एहतियात से पकड़ा करें। अच्छा, ओवन में जो बनेगा नान वो थोड़ा क्रिस्पी बनता है, फ्राइंग पैन में पिज़्ज़ा भी आप देखते हैं थोड़ा सॉफ्ट बनता है, तो फ्राइंग पैन में वो रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन बिल्कुल बना है परफेक्ट, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आता जो ओवन में आता है, क्योंकि ओवन तंदूर की तरह होता है। या तो फिर पतीले में आप बनाएं, जैसे हम बेकिंग करते हैं पतीले में, उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, गर्म है, इसके चार पीसेस करते हैं जी। ये हमारा हो गया नान तैयार। ठीक है, ब तरीकन से तक नान ठाण सिखारे अज कीमे जो तवे के मथा भी ठाओ और अलावा ओवन में भी ठाओ। ठीक है, और उसके साथ चिकन 65 सॉरी कबाब 65 हमने बनाए। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज और रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, तो उससे मेरी सारी वीडियोस आपको देखने में इजी में मिल जाएंगी, आपको अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल हम बनाएंगे निहारी, निहारी की रेसिपी देखिएगा, परफेक्ट होममेड निहारी बनेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह 12 बजे हलो कुकिंग विद शेफ एस मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड की वीडियो डिसन सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर शेयर कर इंशाल्लाह सुबह वरी निहारी ठाईदी तक मुलाकात थी दुआ में अदा चला। हाँ, कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।